Assalamu alaikum, viewers, and welcome back to my channel Study Law with Pushtra. So, we were discussing Civil Procedure Code 1908, and in this video, we are going to discuss Order 14 of CPC. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Order 14 of CPC deals with the topic of settlement of issues and determination of suit on the इशूस ऑफ लॉ और ऑन दशूज एग्रीड अपॉन बेसिकली जो हमारा ऑर्डर फोर्टीन है वो डील करता है टॉपिक ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशूज के साथ और इसके अंदर जो हमारे पास रूल्स है वो रूल वन से लेकर रूल सेवन तक है सात रूल्स है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं हम रूल वन से रूल वन डील करता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के साथ अब रूल वन को डिस्कस करने से पहले हमने अभी तक ऑर्डर वन से लेकर ऑर्डर थर्टीन तक डिस्कस किया जिसमें हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास सूट किस तरह से आपने फ्रेम करना है फिर उसके बाद हमने तरीका कार बताया कि आपने सूट फाइल करना है तो आपने प्लेन फाइल करनी है जब प्लेन फाइल हो जाएगी उसके बाद डिफेंडेंट को समन इशू किए जाएंगे प्लेटिव की तरफ से समन मौसू होने के साथ वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देगा रिटर्न स्टेटमेंट के बाद दोनों पार्टी कोर्ट में आएंगी कोर्ट उनका एग्जामिनेशन करेगी और टेन में हमने पढ़ा अब उसके बाद जब फर्स्ट हेयरिंग होगी तो उस फर्स्ट हेयरिंग पे कोर्ट इश्यूज फ्रेम करेगी कि पार्टीज के, के दरमियान डिस्प्यूट क्या है सो so, सबसे पहली बात इशूस अराइज वेन आ मेटीरियल प्रिपोजिशन ऑफ द फैक्ट और लॉ इज अफर्मड बाई वन पार्टी एंड डिनाइड बाई दब क्लाज वन में हमें बताया है की इशूज कब अराइज होते हैं की जब कोई मेटीरियल प्रिपोजिशन ऑफ दॉ जिसको एक पार्टी अजर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है यानि के जो आपके इशूज हैं वो फैक्ट पर भी हो सकते हैं और लॉ पर भी हो सकते हैं अब इश्यूज ऑफ द फैक्ट क्या है लेट सपोज हमारे पास दो पार्टीज है ए और बी अब इनके दरमियान डिस्प्यूट किस चीज के ऊपर है डिस्प्यूट अराइज हो रहा है एक घर के ऊपर ए कह रहा है कि ये घर मेरा है जबकि बी डिनाई कर रहा है और वो कह रहा है कि ये घर उसका है यानी कि फैक्ट क्या है घर के ऊपर अब इश्यूज अराइज हुए एक ने अजल्ट किया दूसरे ने डिनाई कर दिया सो so, इस डिस्प्यूट के ऊपर अब इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे कोर्ट की तरफ से अब लॉ के इश्यूज किस तरह से राइज हो रहे हैं लेट सपोज हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया है इस घर की मलकियत से रिलेटेड लेकिन वो सूट बार्ड बाय लॉ है यानी कि उसका लिमिटेशन पीरियड था तीन साल या चार साल लेकिन वो आके सूट फाइल कर रहा है छह साल के बाद तो यहाँ पर इश्यूज अराइज हो रहे हैं लॉ के ऊपर सो इन इश्यूज को फिर कोर्ट फ्रेम करेगी और इश्यूज फ्रेम करने के बाद फिर इनके दरमियान जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व आउट करेगी नेक्स्ट इज मटीरियल प्रेपोजिशन आर दोज प्रेपोजिशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट विच द्लैंड मस्ट अलेज इन ऑर्डर टू शो अ राइट टू सू एंड डिफेंडेंट मस्ट अलेज इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट द डिफेंस अब ियल प्रेपोजिशन को डिफाइन किया गया है कि वो ऐसी प्रपोजिशन ऑफ दी लॉ और फैक्ट जिसमें प्लेटिव एलेज कर रहा है ये शो करने के लिए कि उसके पास राइट टू सू है और डिफेंडेंट एलेज कर रहा है कि उसके पास राइट ऑफ डिफेंस है थर्ड ियल प्रपोजिशन अफर्म बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर पार्टी शेल फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट इशू वही बात के जो मेटेरियल प्रोपोजिशन एक पार्टी अजर्ट कर रही है दूसरी डिनाई कर रही है वो एक डिस्टिंक्ट इश्यू होंगे नेक्स्ट इज इश्यूज ऑर ऑफ टू काइंड फैक्ट एंड लॉ इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इशूज ऑफ दी लॉ नेक्स्ट एट फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट द कोर्ट शेल आफ्टर रीडिंग द प्लेन एंड रिटर्न स्टेटमेंट इफ एनी एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ एज दार्टी अपीयर नेटेरियल प्रपोजिशन ऑफ द और लॉ पार्टीज आर एट वेरियंस एंड शेल देयर अपॉन प्रोसीड टू फ्रेम एंड रिकॉर्ड द इशूज ऑन विच द राइट डिसीजन ऑफ द केस अपीयर टू डिपेंड नेक्स्ट सब रूल में क्या कहा है कि जो पहली हियरिंग होगी उसमें कोर्ट लेंट और रिटन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद और पार्टीज को एग्जामिन करने के बाद जो हमने ऑर्डर 10 में डिस्कस किया था वो ये चीज असर्टेन करेगी कि जो मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ द फैक्ट्स एंड लॉ है जिनमें पार्टीज के दरमियान कोई اختلاف है उसको वो फ्रेम करेगी और फिर उसके बाद इनके से रिलेटेड वो एविडेंस रिकॉर्ड करेगी और एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद बाकायदा आर्ग्यूमेंट्स के बाद वो अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करेगी लास्ट इज नथिंग इन दिस रूल रिक्वायर्स द कोर्ट टू फ्रेम एंड रिकॉर्ड इश्यू वेयर द डिफेंडेंट एट फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट मेक नो डिफेंस अब लास्ट सब रूल में कह रहे हैं कि जहां पर फर्स्ट हियरिंग पे डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर ही नहीं हो रहा खुद को डिफेंड करने के लिए सो देर इज नो नीड ऑफ इश्यूज तो वहां पर कोर्ट फिर इश्यूज फ्रेम नहीं करेगी ये था हमारा रूल वन उसके बाद आ जाते हैं रूल टू के ऊपर रूल टू बात करता है इश्यूज ऑफ द लॉ एंड ऑफ फैक्ट अब रूल टू में क्या बात की गई है वेयर द इश्यूज बोथ ऑफ दॉ एंड ऑफ फैक्ट अराइज इन द सेम सूट जहां पर एक ही सूट के अंदर दोनों इश्यूज ऑफ द लॉ भी आ रहे हैं और इश्यूज ऑफ दी फैक्ट भी आ रहे हैं पार्टीज़ के दरमियान एंड द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द केस और एनी पार्ट देअर ऑफ मे बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन दी ऑन द इश्यूज ऑफ द लॉ और कोर्ट को यह लगता है कोर्ट का यह मौक़फ़ है कि अगर मैं सिर्फ इश्यूज़ ऑफ लॉ को डिसाइड कर देता हूं इनको फ्रेम कर देता हूं तो केस का फैसला हो सकता है तो फिर कोर्ट क्या करेगी सबसे पहले वो इन इश्यूज ऑफ दी लॉ को डिसाइड करेगी एंड फॉर दैट पर्पज इफ इट थिंक्स फिट पोस्टपोन सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज ऑफ द लॉ हैमेंड तो कोर्ट क्या करेगी सबसे पहले वो इश्यूज ऑफ लॉ को डिसाइड करेगी जिससे दावे का फैसला हो सकता है और फिर ये जो इश्यूज ऑफ द फैक्ट हैं इनको पोस्टपोन कर देगी लेकिन जहां पर दोनों इश्यूज को डिसाइड करना जरूरी है तो वहां पर सबसे पहले इश्यूज ऑफ द लॉ को डिसाइड किया जाएगा सो सिंपली रूल टू में क्या कहा है कि जहां पर एक सूट के अंदर इश्यूज ऑफ द फैक्ट भी दियराइज हो रहे हैं और इश्यूज ऑफ द लॉ भी और कोर्ट को यह लगता है कि इश्यूज ऑफ द लॉ डिसाइड करने से केस डिस्पोज ऑफ हो सकता है तो वो सबसे पहले उन इश्यूज़ को डिसाइड करेगी। उसके बाद आ जाती हैं रूल थ्री के ऊपर रूल थ्री बात करता है मटेरियल्स फ्रॉम दी विच इश्यूज़ में बी फ्रेम्ड अब रूल थ्री में बताया है कि किन मटेरियल प्रपोजिशन के ऊपर कोर्ट इश्यूज़ को फ्रेम कर सकती है सो रूल थ्री स्टेट्स दैट में ये जो आगे इस रूल में बताए गए हैं इन तमाम के ऊपर या किसी एक को देख कर भी इश्यूज़ को फ्रेम कर सकती है नंबर वन एलिगेशंस मेड ऑन ओथ बाय पार्टीज और बाय एनी पर्सन प्रेजेंट ऑन देअर बिहाफ और मेड बाय दीडर्स ऑफ सच पार्टीज के अगर तो पार्टीज़ ने ऑन कोई एलिगेशन लगाई हैं या किसी भी पर्सन ने उन पार्टीज़ के बिहाफ पे कोई एलिगेशन लगाई हैं या उनके प्लीडर ने कोई एलिगेशन लगाई हैं सेकेंडली एलिगेश मेड इन दी प्लीडिंग्स और इन आंसर टू दोगे डिलीवर्ड इन प्लीडिंग्स क्या है हमारे पास प्लेन्ट या रिटर्न स्टेटमेंट तो प्लेन्ट या रिटर्न स्टेटमेंट को देखते हुए भी कोर्ट इश्यूज को फ्रेम कर सकती है या फिर जो इंटेरोगेट्रीज भेजी गई हैं जो सवालनामे प्लेटिव ने डिफेंडेंट को या डिफेंडेंट ने को तो उन सवालनामों को देख भी इशूज फ्रेम किए जा सकते हैं थर्डली द कॉन्टेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाईर पार्टी पार्टीज ने जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए हैं उन डॉक्यूमेंट को देखकर भी कोर्ट इशूज को फ्रेम कर सकती है सो रूल थ्री में बताया है कि किन मटेरियल प्रेपोजिशन के ऊपर इश्यूज फ्रेम हो सकते हैं अगर पार्टीज ने ऑन ओथ कोई एलिगेशन लगाए हैं या फिर अगर प्लीडिंग्स में कोई एलिगेशन है या जो भेजी गई हैं उनको देखकर इश्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं या कॉन्टेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस किए हैं उनके अकॉर्डिंग भी इश्यूज को फ्रेम किया जा सकता है नेक्स्ट है हमारे पास रूल फोर द कोर्ट में एग्जामिन दिटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग ऑफ दी इश्यूज अब रूल फोर का टाइटल क्या कह रहा है कि कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ से पहले विटनेसेस को भी एग्जामिन कर सकती है और डॉक्यूमेंट्स को भी प्रोड्यूस करवा सकती है रूल फोर दैट Where the court is of the opinion that the issues cannot be correctly framed without the examination of some person not before the court or without the inspection of some document not produced in the suit, it may adjourn the framing of issues to a future day and may, subject to any law for the time being enforced, compel the attendance of the person for the production of any document by summon or other processes. रूल फोर में कहा गया है कि बिफोर फ्रेमिंग ऑफ दी इश्यूज़ अगर कोर्ट को लगता है कि किसी विटनेस को एग्जामिन करना जरूरी है या किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाना जरूरी है तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ का जो प्रोसेस है इसको एडजर्न कर देगी किसी फ्यूचर डे के लिए कोई नई डेट फिक्स कर देगी जिस पर वो इश्यूज फ्रेम करेगी और उससे पहले वो पार्टीज को कहेगी कि विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाए वो उस विटनेस को बाकायदा एग्जामिन करेगी या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाना जरूरी है तो फिर पार्टीज को कंपेल करेगी कि वो इस फला डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करे और इन पार्टीज को समन भेजा जाएगा या किसी भी और तरीके से इनकी अटेंडेंस को कंपल्सरी बनाया जाएगा सो रूल फोर में सिंपली कहा है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले अगर विटनेस की एग्जामिनेशन जरूरी है या डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन जरूरी है तो फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के प्रोसेस को एडजर्न कर दिया जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास रूल फाइव रूल फाइव बात करता है पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट द इश्यूज अब रूल फाइव में क्या बात की गई है अमेंडमेंट और स्ट्राइकिंग आउट की सो सब रूल वन द कोर्ट में एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिग्री अमेंड द इशूज और फ्रेम दिनल फिट एंड ऑल सच अमेंडमेंट और एडिशनल इशूज में बी नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज शेल बी सो मेड और फ्रेमड सब रूल वन में कहा गया है कि अगर तो पार्टीज के दरमियान जो इशूज थे वो फ्रेम हो चुके हैं और फ्रेमिंग ऑफ इशूज के बाद अगर कोर्ट को लगता है कब बिफोर पासिंग ऑफ डिक्री डिक्री पास करने से पहले अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो इश्यूज़ फ्रेम किए गए हैं इनमें कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत है कोई तरमीम करने की जरूरत है या फिर कोई एडिशनल इश्यूज़ को फ्रेम करना है यानी कि वो इश्यूज़ जो पहले फ्रेम नहीं किए थे अब इनको फ्रेम करना जरूरी है तो वो ऐसी अमेंडमेंट्स कर सकती है या ऐसे एडिशनल इश्यूज को फ्रेम कर सकती है अगर तो ये एडिशनल इश्यूज या ये अमेंडमेंट्स जरूरी है पार्टीज के दरमियान जो रियल पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है उनको डिटरमिन करने के लिए सो so कोर्ट के पास ये पावर है सब रूल टू द कोर्ट में ऑल्सो एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिग्री स्ट्राइक आउट एनी इश्यूज दैट अपियर्स टू इट टू बी रॉन्गली फ्रेम्ड और इंट्रोड्यूस सब रूल टू में कहा गया है कि कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो क्या कर सकती है डिग्री पास होने से पहले ऐसे इश्यूज़ जिनको कोर्ट ने फ्रेम कर दिया था लेकिन कोर्ट को अब ये लगता है कि इन इश्यूज़ को फ्रेम नहीं करना चाहिए था ये रॉन्गली फ्रेम किए गए हैं तो फिर वो इन इश्यूज़ को स्ट्राइक आउट भी कर सकती है सो सिंपली रूल फाइव कोर्ट को क्या पावर्स दे रहा है कि वो इश्यूज फ्रेम होने के बाद उनमें अमेंडमेंट कर सकती है कोई एडिशनल इश्यूज भी फ्रेम कर सकती है और उन इश्यूज को स्ट्राइक आउट भी कर सकती है जो रॉन्गली फ्रेम किए गए हैं नेक्स्ट है हमारे पास रूल सिक्स रूल सिक्स बात करता है क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट और लॉ मे बाय एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इश्यूज अब इस रूल सिक्स के अंदर बेसिकली एग्रीमेंट की बात की गई है क्या कहता है रूल सिक्स वेयर द पार्टीज टू दूट और एग्रीड एज टू द्वेश्चन ऑफ लॉ to be decided between them they may state the same in the form of an issue and enter into an agreement in writing upon the finding of the court in affirmative or negative of such issues ab एग्रीमेंट की बात की गई है कौन से एग्रीमेंट की बात की गई है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो पार्टीज हैं ए और बी अब इन पार्टीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है और इस डिस्प्यूट से रिलेटेड पार्टीज आपस में एक एग्रीमेंट कर देती हैं इन राइटिंग और उस रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर अब उन्होंने अपना डिस्प्यूट लिख दिया है जो इशू है उसको फ्रेम कर लिया है वैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि इश्यूज कौन फ्रेम करता है इश्यूज फ्रेम करती है कोर्ट लेकिन यहां पर कहा गया कि अगर पार्टीज खुद अपना इश्यूज फ्रेम कर लेती हैं तो फिर क्या होगा अगर तो इश्यूज़ है किसी सम ऑफ मनी से रिलेटेड। स्पेसिफाइड इन सच दर्ट में डायरेक्ट शेल बी पेड बाई वन ऑफ द दबजेक्ट टू सम लाइबिलिटी स्पेसिफाइड इन दी एग्रीमेंट अगर तो डिस्प्यूट है किसी अमाउंट ऑफ मनी से रिलेटेड लेट सपोज कि इनके दरमियान डिस्प्यूट है 20 लाख से रिलेटेड अब इश्यू इन्होंने फ्रेम कर लिया है कि 20 लाख से रिलेटेड डिस्प्यूट है अब कोर्ट ने ये चीज डिटरमिन करनी है कि ये 20 लाख कौन सी पार्टी किस पार्टी को देगी यानी कि कोर्ट ने लाइबिलिटी डिटरमिन करनी है तो फिर जब ये चीज डिसाइड हो जाएगी तो फिर वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये पेमेंट करने के लिए बाउंड होगी नेक्स्ट इज सम प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड इन दी एग्रीमेंट दूसरी बात की गई है कि अगर तो डिस्प्यूट है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड और उन्होंने ये चीज एग्रीमेंट में लिखती है तो फिर कोर्ट ने डिटरमिन करना है कि राइटफुल ऑनर कौन है इस प्रॉपर्टी का जब वो चीज डिटरमिन हो जाएगी तो फिर जिस पार्टी के पास ये प्रॉपर्टी है अगर वो इसकी ऑनर नहीं है तो वो ये चीज दूसरी पार्टी को डिलीवर करेगी थर्ड इज वन और मोर ऑफ पार्टीज शेल डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सम पर्टिकुलर एक्ट स्पेसिफाइड इन दी एग्रीमेंट रिलेटिंग टू दी मैटर इन डिस्प्यूट या फिर अगर तो डिस्प्यूट है किसी पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने या ना करने के ऊपर तो फिर ये चीज कोर्ट डिटरमिन करेगी सो so, सो so रूल सिक्स में सिंपली क्या बता दिया गया है कि इश्यूज ऑलरेडी फ्रेम हो चुके हैं पार्टीज एक रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू अपने इश्यूज फ्रेम कर रही हैं कोर्ट ने सिर्फ उन इश्यूज के ऊपर अपना डिसीजन देना है

ये पार्टीज एग्रीमेंट के थ्रू अपने इश्यूज फ्रेम करके कोर्ट में अपना डिस्प्यूट लेकर आएंगी तो कोर्ट बाकायदा उसके ऊपर इंक्वायरी कराएगी किस से रिलेटेड दैट द एग्रीमेंट वॉज ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाई पार्टीज के आया पार्टीज ने इस एग्रीमेंट को ड्यूली एग्जीक्यूट किया है अब ड्यूली एग्जीक्यूट से क्या मुराद है कि पार्टीज की फ्री कॉन्सेंट शामिल थी पार्टीज के ऊपर कोई कॉर्शियन तो नहीं था किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर तो इन्होंने ये एग्रीमेंट नहीं किया सो so पहली सेटिस्फेक्शन क्या होगी कि पार्टीज ने फ्री कॉन्सेंट के साथ एग्रीमेंट किया है सेकंडली दे हैव अ सब्सटांशियल इंटरेस्ट इन द डिसीजन ऑफ सच क्वेश्चन कि उनका किसी तरह का कोई सब्सटांशियल इंटरेस्ट है इस डिस्प्यूट के अंदर एंड थर्डली दैट द सेम इज फिट टू बी ट्राइड एंड डिसाइडेड कि आया इस मैटर को सुनना चाहिए भी या नहीं ये फिट है भी या नहीं सो so, अगर तो इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट हो जाती है कि यस एग्रीमेंट वाज ड्यूली एक्सिक्यूटेड इट इज फिट टू बी डिसाइडेड तो फिर क्या करेगी इट शेल प्रोसीड टू रिकॉर्ड एंड ट्राई द इशूज एंड स्टेट इट्स फाइंडिंग ऑन द डिसीजन इज द इशूजन बाई द कोर्ट तो फिर कोर्ट बाकायदा इश्यूज के ऊपर एविडेंसेस रिकॉर्ड करेगी एविडेंसेस रिकॉर्ड करने के साथ वो बिल्कुल इसी तरीका कार के मुताबिक इस केस को लेकर चलेगी जैसा कि कोर्ट ने खुद इस केस के ऊपर इश्यूज को फ्रेम किया है यानी कि कोर्ट ने बिल्कुल वही तरीका कार अपनाना है जैसे वो नॉर्मल केसेस को डिसाइड करती है एविडेंसेस रिकॉर्ड होने के बाद कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करेगी और उसके साथ साथ फिर एक डिग्री भी इशू की जाएगी सो सिंपली रूल सेवन क्या कहता है कि जिस एग्रीमेंट की बात रूल सिक्स में की थी उसके लिए कोर्ट बाकायदा इंक्वायरी कराएगी अगर वो इंक्वायरी के ऊपर सेटिस्फाई हो जाती है फिर तब वो उन इश्यूज के ऊपर अपना फैसला सुनाएगी और फिर उसके साथ एक डिग्री इशू की जाएगी So, ये थी हमारी आज की डिस्कशन ऑर्डर 14 के ऊपर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है सो दैट्स ऑल अबाउट टू लेक्चर आई होप के आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज